हमने लंच में लिया है एक बर्गर। ये बर्गर नहीं है, किलाड़ी कुलचा है। क्या है? किलाड़ी कुलचा, इसको किलाड़ी कुलचा कहते हैं। किलाड़ी कुलचा जम्मू का फेमस है। मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो फ्रेंड्स, बस नहा धो के रेडी हो गए हैं और अब निकल रहे हैं इस होटल से। डर नहीं लगता ना आपको? सही है। जय माता दी भगवान की। यहाँ से हम निकल रहे हैं फ्रेंड्स, अब कटरा के यहाँ से। वाला पानी है, ऐसा लग रहा है जैसे ऊपर का पानी आया है कहीं का। फ्रेंड्स, अभी रुके हैं लंच करने के लिए। आज लंच में हम देखो क्या खा रहे हैं। फ्रेंड्स, हमने लंच में लिया है एक बर्गर। ये बर्गर नहीं है, किलाड़ी कुलचा है। क्या है? किलाड़ी कुलचा, किलाड़ी कुलचा कहते हैं। किलाड़ी कुलचा जम्मू का फेमस है। और साथ में हमने लिए है, ये क्या है पापा? फ्रूट क्रीम। फ्रूट क्रीम यार, बड़ी टेस्टी लग रही है देखने में तो। चलो पापा टेस्ट करो। पापा कैसा है? बहुत ऑसम। फ्रेंड्स, हम लोग पंजाब में एंटर कर चुके हैं और देखो मैं आपको दिखाती हूँ अपनी साइडों में कितनी अच्छी हरियाली है यहाँ पर। इतनी अच्छी ग्रीनरी यहाँ पे इतनी ज्यादा है, मैं आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, पूरी हरियाली हरियाली है और ये चीज तो मुझे बहुत अच्छी लगती है हमेशा। ये देखो पूरा ग्रीन है और आसमान देखो कितना साफ सुथरा है। दिल्ली में तो हमेशा पॉल्यूशन ही दिखता है फ्रेंड, और यहाँ देखो इतनी साफ सुथरा है। रोड भी देखो कितना साफ सुथरा है। ये देखो फ्रेंड, अब हम पहुंचने वाले हैं जलंधर। 28 किलोमीटर दूर है बस यहाँ से जलंधर। पहले हम जलंधर पहुंचेंगे, उसके बाद उसके आगे हम आएंगे लुधियाना। फ्रेंड्स, अभी हमारा बहुत लंबा सफर है और शाम के बज चुके हैं 6:03 और अभी हम रुकने वाले हैं चाय के लिए फ्रेंड्स, क्योंकि हमने नॉन स्टॉप गाड़ी चला रहे हैं। कितने घंटे? 3-4 घंटे हुए होंगे ना पापा? 5-3 घंटे तो हो ही गए, ज्यादा ही हो गए। 3 घंटे फ्रेंड्स, 3 घंटे से गाड़ी हमारी मतलब स्ट्रेट चलती जा रही है, कहीं नहीं रुके हैं अभी हम। बस अभी एक जगह रुके थे, छोटा सा स्टॉप लिया था हमने, और उसके बाद अब सीधा चाय पे रुके हैं फ्रेंड्स। अभी हम चाय पीने के लिए रुके हैं, तो देखो शाम के टाइम पता नहीं है स्कूल के बच्चे कहाँ जा रहे हैं और इनके सर कहाँ लेके जा रहे हैं, वो भी हाईवे साइड पे। और वो भी शाम के टाइम, कौन सा स्कूल होता है भाई साहब? इस टाइम कहाँ जा रहे हैं लोग, किस में जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं पता ही नहीं है। है पापा, शाम के टाइम कौन सा स्कूल है? शाम तो रात होने वाली है। रात होने वाली है, बताओ इतनी रात को कहाँ ले जा रहे हैं? ये कुछ स्पोर्ट्स वगैरह से रिलेटेड। हाँ, ये हो सकता है। फ्रेंड्स, अभी हमने चाय और ब्रेड टोस्ट भी खा लिए, बस हम 5 मिनट रेस्ट करेंगे और उसके बाद हम निकलेंगे यहाँ से। फ्रेंड्स, फ्रेंड्स हम निकल चुके हैं चाय पी के, और अभी टोल आने वाला था, आया नहीं, पीछे लिखा हुआ था आने वाला होगा 5 मीटर्स पे लिखा है शायद 500 मीटर्स। फ्रेंड्स, हम लोग काफी ज्यादा थक गए हैं और हमारे पैरों में तो जान ही नहीं है, चल ही नहीं पा रहे हैं, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, बट फिर भी धीरे धीरे चलने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि चलेंगे नहीं तो फिर पैर भी जाम हो जाते हैं।
और बिना चले काम ही नहीं होता फ्रेंड्स, तो इसलिए चलना तो पड़ेगा ही कैसे भी करके। बट काफी कल से बेटर है क्योंकि रात को ना हमने मेडिसिन ले ली थी तो हमने आराम कर लिया, फिर उसको हमारे को थोड़ा बहुत रिलैक्स मिल गया। बट अभी भी थोड़ा थोड़ा दर्द है, बट अब मेडिसिन नहीं खाएंगे, अब तो ठीक हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा चलेंगे। तो फ्रेंड्स अभी अम्बाला पहुंचे हैं, ये देखो यहाँ धनुष बना हुआ है, ये अम्बाला की पहचान है। ये देखो फ्रेंड्स मैं आपको दिखाती हूँ अभी आगे चल के। अरे वे ट्रक भाई हट जा। हाँ ये देखो फ्रेंड्स ये यहाँ की पहचान है अम्बाला की, और यहाँ पर ये जग्गी सिटी सेंटर है। और अभी बज रहे हैं रात के 10:47। फ्रेंड्स अभी रुके हैं डिनर करने के लिए, और डिनर में हमने मंगाया है आज फ्रेंड्स डिनर में मंगाया है पनीर बटर मसाला और रोटी। तो अभी करते हैं डिनर। फ्रेंड्स खाना खा के निकल चुके हैं और फ्रेंड्स देखिए रात के बज चुके हैं, फ्रेंड्स रात के बज चुके हैं 2:11 और अभी तक हम घर नहीं पहुंचे। फ्रेंड्स सुबह से पापा गाड़ी चला रहे हैं, 12 बजे से सुबह 12 बजे से हम नॉन स्टॉप चल रहे हैं। बस बीच में एक दो बारी खाने के लिए, एक बारी खाने के लिए और चाय के लिए रुके हैं, और अभी डिनर के लिए रुके थे और अभी भी चल ही रहे हैं। और अभी बस में हमारा मूर्थल क्रॉस हो चुका है, सोनीपत आ गया है, और अभी हमें फिर भी थोड़ा सा टाइम लगेगा, अभी हाफ एन आवर और भी लगेगा। फ्रेंड्स बहुत तगड़ी वाली नींद आ रही है, बहुत ज़्यादा, मतलब क्या कहूँ मैं कि हम गाड़ी में आ गए ना, मतलब माता रानी के तो चलो अच्छी बात है दर्शन हो गए, बट फ्रेंड्स मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगी कि जो भी अगर दिल्ली से कटरा वैष्णो देवी माता के दर्शन करना आना चाहता है प्लीज़ कृपया करके आए सिर्फ बस में या फिर अपनी ट्रेन में, अपनी खुद की गाड़ी लेके ट्रैवल ना करें। अगर करना है तो 3 या 4 ड्राइव मतलब लड़के हों आपके साथ जो खुद ड्राइविंग जानते हो, मतलब 2 या 3 बंदे ऐसे हों जो ड्राइविंग जानते हो तो आप उनके साथ आना, अदरवाइज खुद एक बंदा अकेला तो आए ना। देखिए मैं ब्लॉग बना रही थी और वो बंदा इतनी जोर से आया मैं तो डर गई 2 मिनट के लिए, पापा भी डर गए और हमारी गाड़ी एकदम हिल गई और हम साइड में हो गए, और वो देखो 1 मिनट में छू हो गया वो बंदा, इतनी तेज रिस्क लेकर, मतलब हम भी डर गए और खुद को डर ही नहीं लग रहा, और F1 की स्पीड से एकदम तेज निकाल दी इस बंदे ने। फ्रेंड्स मैं यही आपसे लोगों से यही कह रही थी कि आप कोई भी अगर वैष्णो देवी माता के दर्शन करने आता है तो कृपया अपनी गाड़ी से ना आए, बहुत लंबा रास्ता है, डिस्टेंस जो है ना वो बहुत लंबा है, आप लोग आ ही नहीं पाओगे क्योंकि बहुत ज्यादा मुश्किल है। और जम्मू में ना कंस्ट्रक्शन वर्क भी काफी ज्यादा चल रहा है, इस वजह से बड़ी दिक्कत हो रही है क्योंकि कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है जगह जगह वहाँ, क्योंकि कभी गाड़ी रुक रही है, कभी चल रही है, कभी रुक रही है, चल रही है, उससे और ज्यादा परेशानी होती है। अदरवाइज वैसे हमें रास्ता एकदम साफ मिला है, बट जम्मू में जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है उस वजह से हम काफी लेट भी हो गए हैं, और अभी तक देख लो हम घर नहीं पहुंचे हैं, बच्चे भी वेट कर रहे हैं हमारा, बस थोड़ी देर में हम घर पहुंचने वाले हैं, और नींद बहुत तेज आ रही है बहुत तेज, लेकिन क्या करें रुक भी नहीं सकते फ्रेंड्स क्योंकि सीधा हमें घर जाना है, रुक गए तो नींद आ जाएगी यहाँ बहुत तेज, तो इसीलिए अब पापा ने सुबह 12 बजे से अब रात के 2 बज गए, मतलब कि कितने 14 घंटे हो गए है ना, 14 घंटे से गाड़ी चल रही है, 14 घंटे से सिर्फ 2 बारी रुके हैं। गाइस चाहे कुछ भी हो, ट्रेन से आओ या बस से आओ, कार से मत आओ भाई, बहुत बहुत ज्यादा, मेरे तो शोल्डर्स पेन हो रहे हैं, सर दर्द हो रहा है, ब्रेक लगा के हालत बुरी हो जाती है। तो वो जो हमने मतलब यात्रा करी है पैदल, उतरना चढ़ना जो भी किया है जितना भी, उस वजह से ऑलरेडी इतने हाथ पैर टूटे हुए हैं, उसके बाद ये ड्राइविंग करके 14 घंटे, मेरी तो हालत हो गई है बहुत ज्यादा खराब सच में फ्रेंड्स, मुझे 2 दिन की छुट्टी और चाहिए। बिल्कुल भी हालत ही नहीं है, मतलब अब ऐसा लग रहा है कि बस अभी भी सो, हम जाते ही सोएंगे और सुबह हमें कम से कम 12-1 बजे तक कोई डिस्टर्ब ना करे ऐसा लग रहा है, बट ऐसा पॉसिबल होगा नहीं फ्रेंड। और अभी मुझे घर जाके एडिटिंग भी करनी है फ्रेंड, एडिटिंग करने के बाद ही सो पाऊंगी, मैं कोशिश करूंगी कि अभी हो जाए मेरी एडिटिंग कंप्लीट और उसके बाद मैं जल्दी से सो जाऊं। फ्रेंड्स अभी आ चुकी हूँ घर और फ्रेंड्स बस बहुत तेज नींद आ रही है, कपड़े चेंज करके जा रही हूँ बस सोने। फ्रेंड्स ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।